देखते हैं और दिनों के मुताबिक? बिल्कुल, आज अगर आप देहरादून की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो 1 से 2 डिग्री कम है, अधिकतम तापमान देखेंगे आज तो करीब वो 2 डिग्री ऊपर चला जाएगा जो नॉर्मल इस समय होना चाहिए। तो अब जो जो आप को कोल्ड वेव कंडीशन थी वो बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे। तो या हिल्स में भी इसी तरह, जैसे मैंने कहा कि मुक्तेश्वर में जो कल तक आप तापमान देख रहे थे तो परसों वहाँ -4.7 था, कल वो 4.5 पे आ गया, लेकिन आज देखेंगे तो माइनस से ख़त्म हो करके वो प्लस में 1.9 पहुँच गया। तो एकदम जो नॉर्मल टेम्परेचर मुक्तेश्वर के इस समय होना चाहिए वो पहुँच गया है। इसी तरह और भी हिल स्टेशन में ऐसा ही करीब करीब मिला है कि करीब वो नॉर्मल के पास पहुँच गए हैं। हाँ, प्लेन्स में भी देखेंगे तो टेम्परेचर 4 डिग्री से जो कम है वो 1-2 स्टेशन या वैसे रहेंगे जहाँ की 4 डिग्री से हमको कम मिला है। तो ठीक है, अगले जो 24 आवर्स है उसमें थोड़ा बहुत जो शीतलहर का जो मैदान क्षेत्र में असर है, लेकिन उसके बाद तो खत्म हो जाएगा वो असर जो है। जहाँ तक रिकॉर्ड टूटने की बात थी इसके दौरान तो ऐसा कहीं नहीं रहा। थोड़ा बहुत अगर आप कहेंगे तो ठीक है, जो 85 से हमारे पास डेटा है पंतनगर का, तो उसमें ये इस समय लोवेस्ट मिला है, ये -0.2 वहाँ पर गया है टेम्परेचर आज, बल्कि वो -0.3 हो गया है। तो वो वहाँ पे थोड़ा बिल्कुल है, ये जो है पिछले रिकॉर्डों से अगर देखेंगे तो ये लोवेस्ट मिला है अभी तक का। लेकिन हाँ, और स्टेशन जो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहा है।